हेलो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट इंटीरियर शो पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस शो का नाम सुनते हुए आपको ऐसा लगता रहेगा कि हम इंटीरियर्स के बारे में आपको लेक्चर्स देंगे और बोर करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शो के माध्यम से हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं और आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी देना चाहते हैं। इस शो के माध्यम से हम आपको ऐसे एक सुंदर घर दिखाना चाहते हैं जिस घर को देखते हुए आपको जलसी तो फील होगी ही, लेकिन साथ साथ में ऐसा भी लगेगा कि ऐसा घर मेरा कब बनेगा। तो यही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस और आपके इसी सपने को साकार करने के लिए मैं निखिल राव, मैं खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हूं और इस सफर में आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लाऊंगा और आपके सपने साकार करूंगा। सबसे पहले मैं आपके इंटीरियर डिजाइनर और डेकोरेटर्स के बारे में जो मिथ है इसे दूर करना चाहूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं वो बड़े लोग ही एफर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ दीवार के कलर कैसे होंगे, सोफा कैसे लगेगा, झूमर कैसे लगेगा, सिर्फ इसी के लिए हम अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटीरियर डिजाइनर का काम है स्पेस डिजाइन करना, और एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर आपकी कम से कम स्पेस को, कम से कम जगह को सबसे ज्यादा आप कैसे यूटिलाइज करेंगे इस बारे में आपको राइट सॉल्यूशन देगा, और ये बात आपको एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ही बता सकता है। मुंबई जैसे शहर में जहां एक पैर रखने तक की जगह नहीं है, वहां हम जैसे इंटीरियर डिजाइनर आप सो सके ऐसी जगह मैनेज कर सकते हैं। और इस शो पे हम आपको कुछ ऐसे डिजाइन से रूबरू कराएंगे जो दिखने में बहुत खूबसूरत है और आपकी जेब को भारी भी ना पड़े, और कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी आप जान सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मेरे ही बनाए हुए घर से। आइए, तो आज आपको लेके चलता हूं एक हमारी साइट पे। ये साइट का मेन डोर है, इसमें ये जाली डोर है और इसमें ये लेजर कटिंग ग्रिल लगी हुई है जो आपके डिजाइन के अनुसार वन पीस मेटल में से कट हो जाती है। और ये मेन डोर है जिसमें हमने लैमिनेशन और वीनियर का इस्तेमाल किया है। आइए, ये है उनका एंट्रेंस पैसेज। इस एंट्रेंस पैसेज को हमने जिस तरीके से डेकोरेट किया है वो सिर्फ डेकोरेशन पार्ट नहीं है, यहाँ पर हमने कुछ मिरर लगाए हैं। इसका रीजन है ये पैसेज को ब्रॉड दिखाता है, और दूसरा इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने हाइड कर दी है, जैसे ये है उनका शोरूम और ये है उनका इलेक्ट्रिकल बॉक्स एंड ईपीबीएक्स सिस्टम। और ये मिरर का जो इस्तेमाल है वो हमने कुछ फेंगशुई के हिसाब से भी किया है, जो मेन एंट्रेंस के एग्जैक्टली सामने हमने मिरर लगाया है, तो ये एक फेंगशुई है। आइए, ये है उनका डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के अंदर दो पार्ट है, ये उनका सिटिंग एरिया है और ये उनका डाइनिंग एरिया है। ये जो लिविंग रूम है इसके अंदर ये लिविंग रूम का लेंथ बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने इस लिविंग रूम के बीच में यहां पर एक स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन डाला हुआ है। इससे इस लिविंग रूम की लेंथ हमने कम कर दी है और साथ साथ में हमने एक एडिशनल गेस्ट रूम पीछे की तरफ क्रिएट किया है, जो इस प्रकार से ये स्लाइडिंग के हिसाब से इसको डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट में यहां पर 3 सीटर सोफा और एक छोटी पुफी दी है, लेकिन ये पुफी 2 सीटर के जैसे डिवाइड की है। यहां पर सेंटर टेबल और इस तरफ है उनका टीवी यूनिट, और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसे ये कॉलम है और ये दीवार है, इसके बीच में हमने ये क्रॉकरी यूनिट बनाया है जो डाइनिंग के टाइम खाना खाने के वक्त इसे आप सर्विस प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। और इस दीवार को हमने कुछ लेजर कटिंग वुडन के अंदर मटेरियल लेके इसे लाइट अप किया है, जिससे यहाँ का एम्बियंस एक खूबसूरत हो जाए। जो आप दीवार देख रहे हैं, सीलिंग देख रहे हैं, इस सीलिंग के अंदर हमने ये वॉलपेपर्स इस्तेमाल किया है और यहाँ पर छोटी सी एक निश बना के एक ट्रेडिशनल वॉच हमने रखी हुई है। ये है टीवी यूनिट। इस टीवी यूनिट को डिजाइन करते वक्त हमने दो चीजों का ख्याल किया है, एक तो इसका कॉम्बिनेशन जो यहाँ के बीनियर के साथ मैच हो,
दूसरा हमने इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया है जिससे इस रूम की हाइट ज्यादा दिखे। इसको हमने मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू इसको यूज किया है कोकोनट शीट से, ये अलग अलग कलर में अलग अलग साइजों में मिलती है, और इसे लाइट करने के लिए हमने इसके साथ इस्तेमाल किया ही है स्टील की ये शीट्स, जिसमें हमने इसमें इंग्रेव करवाया है और उसके पीछे हमने एलईडी लाइट्स रखी है, जिससे इस इंग्रेव का जो डिजाइन है वो अलग अलग कलर्स का आप मजा ले सके। इस टीवी यूनिट में हमने एक लो हाइट स्टोरेज स्पेस दिया है जिसमें डीवीडीज, एम्पलीफायर्स और साउंड सिस्टम आप रख सकते हैं। यहां पर कुछ छोटी छोटी निश बनाई है जिस निश के अंदर आप अपने कुछ आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं। यहां पर कुछ आप शेल्फ भी बना सकते हैं, छोटी सी बुक शेल्फ रख के इसमें लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। इस टीवी यूनिट के एग्जिट बाजू में हमने एक ऐसा कॉर्नर निकाला है जहां पर आप इसे मंदिर की तरीके से हमने यूज किया है। ये मंदिर को डिजाइन करते हुए हमें सबसे पहला ध्यान रखना था जो डाइनिंग एरिया है वहां की जो वॉकिंग स्पेस है वो कहीं कंजेस्टेड ना हो जाए, इसलिए हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये लिविंग रूम में हो लेकिन कभी भी भारी ना लगे। इसके अंदर हमने ग्लास और वुड की कुछ लेजर कटिंग ग्रिल्स यूज की है। इस लेजर कटिंग ग्रिल्स का जो डिजाइन है वो हमारे मेन डोर ग्रिल्स के साथ मैचिंग आ रहा है, तो ये एक पूरा एक पैरोडी लगे। इसके अंदर हमने जो डोर्स है मंदिर का, इसे इस्तेमाल किया गया है इस तरीके से स्लाइडिंग की तरीके से, जो आप जब भी पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो ये स्लाइडिंग डोर्स आपको ना खोलना पड़ता है जिससे आपकी ये स्पेस भी यूटिलाइज हो। ये स्लाइडिंग है, अगर आप अंदर आ गए तो इसको स्लाइड करके बंद कर दीजिए। इस मंदिर को हमने इस तरीके से डिजाइन किया था जैसे आपने ये स्लाइडिंग यहां पर भी देखा, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। इससे दोनों स्लाइडिंग दोनों तरफ आप इसको मूव कर सकते हैं, और ये जब दोनों तरफ जब मूव हो जाती है तो इससे यहां पर चलने का ये जो पैसेज है वो बड़ा हो जाता है, और भगवान का जब भी आपको घर में कोई प्रसंग है तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ के उनके भजन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं तो यहां पर ही इनका डाइनिंग एरिया है, और इस तरफ आप थोड़े से आगे जाएंगे तो यहां आपको दिखेगा कि ये एक वॉल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये दरअसल यहां से उनका एक किचन है। ये जो किचन आप देख रहे हैं ये मॉड्यूलर टाइप किचन है, लेकिन ये मॉड्यूलर किचन नहीं है। मॉड्यूलर इसलिए नहीं है कि मॉड्यूलर यानी जो बाहर से बनता है, और ये जो किचन है वो हमने घर पे बनाया हुआ, यानी ऑन साइट इस किचन को हमने बनाया है। इस किचन के अंदर जितनी भी सारी एसेसरीज हैं, ये एसेसरीज मॉड्यूलर किचन में जैसे आती है वैसी है, लेकिन इसके ऊपर का ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये सारे वुडन स्क्रीन है और इसको लेमिनेट फिनिश किया गया है। लेमिनेट फिनिश ये जो आप देख रहे हैं वो इस्तेमाल में अच्छी है, मेंटेनेंस के लिए अच्छी है, और लुक लाइक वीनियर एंड लेमिनेशन के जैसे ये दिखती है। इसके अंदर की ये जो चैनल्स हैं ये सॉफ्ट क्लोजिंग चैनल्स हैं, जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं इन्हें आपको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा धक्का मारना है तो वो अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिक यूटिलिटीज हैं जिनमें आपके 6 ड्रॉवर्स हैं जिसमें कटलेरीज, सॉसर्स और बड़े जो बर्तन हैं वो इसमें रहते हैं। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये हैवी स्टोरेज के लिए है। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें ज्यादा करके गेहूं चावल के ये जो ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर इनका ये वॉशिंग एरिया है, ये इनका सर्विंग एरिया है, और ये मेन हब, और ये है यहाँ पर बहुत बड़ी विंडो है जहां से ये फ्रेश एयर आती है। इस तरफ आप देख रहे हैं एक फ्रिज रखा हुआ है, और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हमने एक टावर यूनिट बनाया है। टावर यूनिट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स आपकी स्टोरेज रह सकती हैं, करीबन इसके अंदर 40 से 50 बोतल रह जाती है, और ये कम जगह में बहुत ज्यादा स्टोरेज आपको देती है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं मास्टर बेडरूम में। ये जो आप देख रहे हैं इस रूम को डिजाइन करते हुए हमें दो चीज की ध्यान रखना था, एक तो इसका फ्लोरिंग एकदम डार्क है इसलिए ये रूम अंधेरा नहीं हो जाए, इसलिए हमने सारे फर्नीचर्स का कलर ज्यादा करके व्हाइट लेमिनेशन किया है। ये डबल बेड है, डबल बेड के सामने हमने एक लेज बनाया है। इस लेज का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला इसे आप एक सेटआउट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
और नॉर्मली ये आप टीपॉय या सेंटर टेबल के हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप बेड देख रहे हैं इसके अंदर हमने स्टोरेज भी बनाया है, जो आप डे टू डे जो आपका स्टोरेज है पिलोज और वो सब जो आप इसमें डाल सकते हैं और इसको स्लाइड कर सकते हैं। ये आप जो पलंग के पीछे की वॉल देख रहे हैं यहां पर एक खिड़की है, इस खिड़की को हमने चिक ब्लाइंड्स देके कवर किया है। ये जो बेड बेड का पीछे का जो ये ट्रीटमेंट है ये हमने जानबूझ के यहां पर ग्रिल दी है और लाइट अप की है क्योंकि हमें फोटोग्राफ्स नहीं लगाना था क्योंकि फोटोग्राफ्स थोड़े से कॉमन लग रहे हैं। बेड के अंदर दोनों तरफ हमने स्टोरेज लिया है और जो इनके दोनों तरफा साइड टेबल्स हैं वो हमने जमीन से 3 इंच ऊपर रखे हैं क्योंकि नीचे से आप मॉपिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं और दिखने में वो सॉलिड ना लगे। ये आप जो ऊपर देख रहे हैं ये जो फैन है ये फैन भी है और झूमर भी है। जैसे ये फैन का अभी जो आप मोड देख रहे हैं ये ऑन ऑफ ये ऑन, ये अभी आप लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे और इसके अंदर ये एक फैन मोड भी है। जैसे ही फैन ओपन होता है ऑन होता है उसकी विंग्स अपने आप खुल जाती है। ये काफी इंटरेस्टिंग फैन है जो आप एक आर्टिफैक्ट की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ दिखावा नहीं है, इसमें हवा भी बहुत अच्छी आती है। मेरे इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये जो कर्टन है इसमें 2 प्रकार के कर्टन हैं, जैसे ये शेयर कर्टन और ये मेन कर्टन। इसका कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू आपके डेकोर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्लोर के साथ हमने इसे फुल हाइट कर्टन दे दिए जिससे रूम का लुक आपको ज्यादा हाइटेड और वाइड दिखे। ये जो आप देख रहे हैं ये है वार्डरोब। वार्डरोब के अंदर हमने डिजाइन किया है ये स्लाइडिंग डोर्स हैं। ये जैसे आप पूरा का पूरा दरवाजा आप स्लाइड करके खोल सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मल यूटिलिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हम बना सकते हैं। यहाँ पर हैंगिंग शर्ट्स एंड सूट्स रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे ड्रॉवर्स हैं जिसके अंदर आप आपकी नॉर्मल यूटिलिटीज रख सकते हैं। ट्रे हैं, ये आप स्लाइड करके इसको बंद कर दीजिए। इसको डिजाइन करते हुए हमने एक ध्यान में ये भी रखा था कि अगर हमें ये वार्डरोब नहीं खोलना है तो कुछ ड्रॉवर्स ऐसे हैं जो आप नीचे से ही खोल सकते हैं बिना वार्डरोब खोले हुए। तो ये जो वार्डरोब हैं जिसमें आप नॉर्मल आपके जो डे टू डे क्लोथ्स हैं वो आप रख सकते हैं। इन द सेंटर ऑफ 2 स्लाइडिंग शटर्स हमने ये टीवी यूनिट डिजाइन किया है। यहां पर उनकी स्क्रीन आ गई, उसके साथ उनका जो साउंड सिस्टम है वो भी आ गया और ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम स्टोरेज के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी खासियत वाली चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस तरफ। यहां पर हमें छोटे से छोटी एक जगह मिल रही थी, इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। ये जो है आप जब भी घर में आते हैं आपके जो कपड़े हैं जिसको आप हैंग करना चाहते हैं वो आप कहां पर हैंग करेंगे, क्योंकि अगर आप खुले में उसको हैंग करेंगे तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये छोटी जगह हमने इसको आपके डर्टी क्लोथ्स या आपके ओल्ड क्लोथ्स जो है उसको हैंग करने के लिए इस्तेमाल किया है, जिसे आप आसानी से बंद भी कर सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। ये चीजें को ध्यान में रखना एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर का काम है। आइए ये है उनका ड्रेसिंग एरिया। इस ड्रेसिंग एरिया को डिजाइन हमने इस तरीके से किया है कि यहां पर आपको फुल मिरर मिल जाता है। फुल मिरर मिलने से आपके रूम की साइज काफी बड़ी लगती है, प्लस उसके बाजू में ही हमने ये 2 पतले प्लाई के 1.5 इंच मोटे पल्ले लगा दिए। इस पल्ले के बाद ये उनका छोटा छोटा कॉस्मेटिक्स हो गया जिसमें आप अपने परफ्यूम्स और अदर कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं। तो ये स्टोरेज का भी अच्छा काम करता है, प्लस इसके नीचे और ऊपर की जो जगह है जहां पर आप आर्टिफैक्ट रख सकते हैं। और इसके ठीक बगल में ये कुछ ऐसी फिटिंग्स हमने लगाई है, अगर आप शौकीन हो आपके रूम के लिए तो ये एक छोटा सा मिनी बार है। ये सारी फिटिंग मार्केट में अवेलेबल है, सिर्फ आपको इसे चुनना है। ये आप ये भी सॉफ्ट क्लोजेट है, अगर आपने बंद किया अपने आप बंद।
तो ये एरिया को हमने ब्यूटीफाई करने के लिए ये सारी छोटी छोटी एसेसरीज इसमें इनकॉर्पोरेट की है। इस तरफ अभी आएगा, अभी आपने मास्टर बेडरूम देखा, अब आप देखिए ये मदर्स रूम। मदर्स रूम में हमने लाइट और थोड़े से पेस्टल कलर इस्तेमाल किए हैं क्योंकि लाइट कलर से रूम की कूलनेस बरकरार रहे। माताजी हैं तो उनको ठंडे कलर भी बहुत अच्छे पसंद आए, और वाइट एंड लाइट वीनियर का कॉम्बिनेशन हमने किया है इसमें। इसमें भी ये डबल बेड है, साइड टेबल्स हैं एंड वार्डरोब्स ऑन द लेफ्ट, और यहाँ है उनका ड्रेसिंग टेबल। आइए अब मैं आपको दिखा रहा हूं इस घर की सबसे खूबसूरत चीज। आपने जब भी देखा कि ये जो पैसेज में हमने जो ट्रीटमेंट किया था उसमें यहां पर शूरेक था और यहां पर इलेक्ट्रिकल बॉक्स, लेकिन इस दोनों के बीच में एक ऐसा दरवाजा था जो यहां से आपको तीसरे बेडरूम में लेके जाएगा, और ये बेडरूम इस तरीके से है। इस रूम को जब हमको डिजाइन करना था तभी हमारे पास एक पजल थी, क्योंकि इस रूम का साइज बहुत छोटा है। इस रूम में तीन डॉटर्स को हमें स्लीपिंग के लिए उनको बेड देना था। अब अगर मैं डबल बेड बनाता तो ये रूम की साइज बहुत छोटी होने की वजह से ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता। इनकी पढ़ाई, इनकी हॉबी और इनके जो यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि यहाँ पर बेड ना देते हुए हमने दो डिफरेंट लेवल के फ्लोर दे दिए। ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, और नीचे का जो फ्लोर है वो नॉर्मल अपना इटालियन मार्बल है। इस नॉर्मल लकड़ी के फ्लोर के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने तीन मैट्रेसेस रख दी, लाइक अ सोफा कम बेड। जब भी रात को इनको सोना है, कोई भी पोजीशन में आप इसको खोल के तीन डॉटर्स यहाँ पर सो जाए, और इन अ मॉर्निंग टाइम अगर इसको एक साइड में रख दिया तो यहाँ पर ये एक सोफे के जैसा इसका इस्तेमाल कर सकते। और उस कॉर्नर में वहां पर हमने एक छोटा सा स्टडी यूनिट बना दिया जहां पर वो अपना स्टडी कर सकते हैं। और इस रूम में जहां पर हमें छोटे छोटे कॉर्नर्स मिले इसका इस्तेमाल हमने छोटे स्टोरेज के हिसाब से किए। जैसे आप अगर ये स्टोरेज देख रहे हैं, इस स्टोरेज में यहां पर हमने इनको इस तरफ से ऐसे ड्रॉवर्स दिए जिसमें वो अपने नॉर्मल कॉस्मेटिक्स और बाकी की डे टू डे रूटीन चीजें रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर हमने, ये लड़कियां होने की वजह से इनको प्रेस की जरूरत गिरती है, हमने एक प्रेसिंग टेबल भी दे दिया। ये प्रेसिंग टेबल में जब चाहिए तब इसको खोल सकते हैं, जब आपको चाहिए कि ये बीच में नहीं आए तो इसको आप स्लाइड करके ड्रॉवर्स के हिसाब से इसको बंद करके इसके अंदर छुपा दीजिए। तो ये छोटे से रूम के अंदर हमने जो भी चीज अकोमोड की है, इस तरफ उनका यूटिलिटी हो गया, और इसके एग्जैक्टली पीछे आप अगर देखेंगे यहां पर इस तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ये है वार्डरोब। यहां पर तीन डॉटर्स के एक दो और तीन वार्डरोब हैं जिसे हमने इस तरीके से स्लाइडिंग तरीके से यूज किया है, जिससे हमारी स्पेस भी बचती है और उनकी सारी यूटिलिटी कंप्लीट हो जाती है। ऊपर की तरफ ये स्लाइडर्स है फुल हाइट, और नीचे ये छोटे छोटे हमने ड्रॉवर्स दे दिए हैं जो रोजमर्रा की चीजें वो इसमें रख सकते हैं। नीचे ड्रॉवर्स इनके बहुत यूज आते हैं, और अगेन आप जहां पर खड़े हैं यहीं से हम लोग बाहर पैसेज में जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी एंट्री लिया था लाइक बहुत इट्स लाइक नहीं लेना है ये घर, बिकॉज कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था लाइक कोई रूम्स एंड ऑल किचन्स कुछ भी ठीक नहीं था। सो वी आर लाइक के मना कर दिया था कि हम लोग को नहीं चाहिए ये घर। एंड आफ्टरवर्ड्स इंटीरियर डिजाइनर से बात की
एंड देन सेकेंड टाइम जब भी बन के रेडी हुआ देन हम लोग को लगा ही नहीं कि हम लोग ने वो ही रूम देखा था और इतना डिफरेंस इंटीरियर डिजाइनर ने किया था. सो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस. इंटीरियर डिजाइनर नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग ये लाइक हाउस परचेस करने का सोच भी नहीं सकते थे बिकॉज इतना पथेटिक था कि लाइक कैसे ही रूम में कोई रह सकता है ऐसा हम लोग को लग रहा था. बट आफ्टर इंटीरियर डिजाइनर को बात करके बैठ के सब सर ने भी बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया कि आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चाहिए. सर ने भी बहुत सारी एडवाइस दी कि ये कर सकते हैं कि ये करने से रूम इतना अच्छा होगा या ये करने से पूरा लाइक हाउस का एक्चुअली हम लोग को चेंज मिला. सो नहीं, डेफिनेटली इंटीरियर डिजाइनर तो होना ही चाहिए बिकॉज अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. लाइक हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतना ये रूम को ऐसा डिफरेंस हम लोग को मिलेगा. लाइक एक एक कॉर्नर का यूज किया हुआ है सर ने एंड थ्री बेडरूम हॉल किचन विथ एक्स्ट्रा वन रूम. सो इट्स फोर रूम्स हॉल किचन. सो जब भी हम लोग देखने आए थे आई थिंक हार्डली टू रूम्स आई थिंक थे. सो हम लोग को वही लगा कि इतने मेंबर्स कैसे रहेंगे एंड ऑल. फिर सर से बात की एंड बहुत हम लोग को आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ एंड हम लोग का ड्रीम इन शॉर्ट ड्रीम फुलफिल हुआ कि नहीं ऐसा हम लोग को फ्यूचर में रूम चाहिए था, लाइक हाउस चाहिए था. सो हम लोग को लाइक कम्प्लीटली हम लोग लाइक वी आर सेटिस्फाइड. दिन भर की दौड़ धूप में आदमी इतना परेशान रहता है कि सुकून की सांस अगर वो ले सकता है तो सिर्फ घर पे, और घर अगर इतना शानदार हो तो फिर क्या बात है. तो ऐसे ही शानदार घरों को लेके हम हर हफ्ते आएंगे इंटीरियर एक्सपर्ट्स के साथ. अगर आपका घर इतना ही शानदार है और अगर आप हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें इनवाइट करें. हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पे है. तो चलिए अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं इंटेलिजेंट इंटीरियर्स पे. तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट.